Click on subscribe button, press on bell icon. हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक डेल के लैपटॉप की। फ्रेंड्स यह मॉडल थोड़ा सा पुराना हो गया है, यानी कि इसको 10-11 महीने हो गया है, बट फ्रेंड्स यह बहुत बढ़िया है और यह फ्रेंड्स बहुत वैल्यूएबल चीज़ है, इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स अगर आप इसकी मैं आपको यहाँ पर प्राइजिंग की बात करूँ तो ये फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी प्राइसिंग है 70,789 रुपीज़। बट फ्रेंड्स ये आपके जब आप इसको शॉप वगैरह से परचेज करोगे तो फ्रेंड्स ये आपके पड़ जाएगा टोटल 65,000 के आसपास, यानी कि 65,000 के आसपास। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसका मॉडल नंबर है इंस्पायरन 7572। फ्रेंड्स यह लैपटॉप दो वेरियंट के अंदर अवेलेबल है, i5 प्रोसेसर में और एक i7 प्रोसेसर के अंदर। जो आप जो चाहो वो आप परचेस कर सकते हो, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। अब फ्रेंड्स हम इसको अनबॉक्स करते हैं तो कुछ इस तरह से पैकिंग में आएगा। फ्रेंड्स इसी रेंज के अंदर और भी लैपटॉप आ रहे हैं, बट फ्रेंड्स ये ज़्यादा वैल्यूएबल है और ज़्यादा काम की चीज़ ये लगी मेरे को, तो इसलिए मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया। तो अब फ्रेंड्स अगर मैं इसके अनबॉक्सिंग की बात करूँ तो इसमें हमारे लैपटॉप आता है, बैग और माउस फ्रेंड्स ये दोनों ऑप्शनल है। और जो अनबॉक्सिंग के अंदर लैपटॉप के साथ लैपटॉप का चार्जर आएगा, गाइड बुक आएगी और एक लैपटॉप आएगा, यह तीन ही चीज़ें आएंगी। और फ्रेंड्स जो माउस और बैग है ये आपको ऑप्शनल दिए जाएंगे, यानी कि आप जहाँ से परचेस करोगे तो आपको एज ए गिफ्ट दिया जाएगा एक माउस का और एक बैग का। तो फ्रेंड्स माउस बैग फ्री है, ये लैपटॉप के साथ इसके अनबॉक्सिंग में नहीं है, बट फ्रेंड्स ये आपको अलग से मिल जाएंगे इसी के साथ, वो भी फ्री में। तो ये फ्रेंड्स अब मैं आपको इसे इसके मॉडल के बारे में, यानी कि इसके जो बॉडी है इसके बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स मेटल बॉडी है, इसलिए ये 2-1 किलो के आसपास है, थोड़ा सा वजन का भारी है। फ्रेंड्स आपको मैं इसके पीछे से दिखाऊं तो फ्रेंड्स कंप्लीट गोल्डन कलर का है, काफ़ी सुंदर लैपटॉप है। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो पीछे बड़े बड़े अक्षरों में इंस्पायरन लिखा हुआ है। फ्रेंड्स इसके ऊपर स्पीकर है, एक इस साइड में एक इस साइड में, फ्रेंड्स जो बीच वाली जाली है ये फ्रेंड्स कूलिंग के लिए दी हुई है। और फ्रेंड्स इसके मैं आपको यहाँ पर पोर्ट की बात करूँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट है, एक नेटवर्किंग का है, एक HDMI का है। और फ्रेंड्स यहाँ पे दो USB पोर्ट है जो 3.1 तक सपोर्ट करते हैं, USB 3.1, उसके बाद एक हेडफोन का है। और फ्रेंड्स उसके बाद इसके अपोजिट साइड में देखें तो यहाँ पे एक और जैक है USB का और एक यहाँ पे इसके अंदर SD कार्ड का पोर्ट दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स यह लैपटॉप आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। जो इसके बॉर्डर के ऊपर फ्रेंड्स आप देख सकते हो जो वाइट कलर की, यानी कि सिल्वर कलर की एक पतली सी लाइन है, तो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इसको सुंदर बनाती है। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ पे इसके अंदर एक चार्जिंग के इंडिकेटर लाइट भी दी हुई है, जैसे आप इसे चार्ज में लगाओगे तो यह लाइट यहाँ से जल जाएगी, आप वाइट कलर की ये जलेगी और आपको दिख जाएगा भी लैपटॉप चार्ज हो रहा है। अब फ्रेंड्स चलिए हम इसे ओपन करते हैं। तो यह फ्रेंड्स हम इसे ओपन करेंगे। फ्रेंड्स मैं पहले बता दूँ कि मैंने इस लैपटॉप की लैमिनेशन करवा रखा है, स्क्रीन के ऊपर इसके स्क्रीन गार्ड लगवा हुआ है और नीचे लैमिनेशन करवा रखा है, इसलिए आपको यह थोड़ा सा यहाँ से अलग सा दिखेगा। और फ्रेंड्स आप देख सकते हैं i5 प्रोसेसर का है 8th जनरेशन के साथ। और फ्रेंड्स लुकिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर है, अरे आप देख सकते हो फ्रेंड्स यहाँ पे इसके डिज़ाइन वगैरह पूरी एकदम बढ़िया। फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो बीच बीच में जो यहाँ पे लाइनिंग आ रही है, फ्रेंड्स लैपटॉप के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये ओनली मैंने लेमिनेशन करा है तो ये लेमिनेशन के टाइम लाइनें आई है। और फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे इसका कैमरा, कैमरे की साइज़ इसके, यानी कि कैमरा जो इसके डिस्प्ले के नीचे ऊपर की साइड में नहीं है। और फ्रेंड्स जो इसकी डिस्प्ले, इसकी डिस्प्ले तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी फ्रेंड्स आपको, क्योंकि सबसे पहले तो डिस्प्ले का बॉर्डर आप देख सकते हो काफ़ी पतला बॉर्डर है। और फ्रेंड्स कई लैपटॉप की अधिकतर लैपटॉप की जो डिस्प्ले वो फ्रेंड्स एक अलग सी वाइट पड़ती हुई सी डिस्प्ले आती है, बट फ्रेंड्स जो इसकी डिस्प्ले वो एकदम फ़ोन के जैसी डिस्प्ले है, तो आपको इस डिस्प्ले के साथ तो मज़ा ही आ जाएगा। और फ्रेंड्स जो साइडों का एकदम पतला पतला बॉर्डर है वो तो आपके लैपटॉप को एकदम लग्जरी लुक देगा। तो फ्रेंड्स यह लैपटॉप है काफ़ी बढ़िया है, अब हम इसे यहाँ से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट बटन के साइड में दिया हुआ है फ्रेंड्स, फिंगरप्रिंट इसमें नहीं है और कीबोर्ड के अंदर लाइटनिंग है। और फ्रेंड्स स्क्रीन फुल HD डिस्प्ले है इसकी, तो फ्रेंड्स आपको स्क्रीन के अंदर तो इसके मज़ा आ जाएगा, स्क्रीन अकॉर्डिंग तो यह है बहुत बढ़िया लैपटॉप है। अब फ्रेंड्स मैं इसको आपको चला के दिखाता हूँ कि कैसे चलता है, क्या सीन इसका है। तो फ्रेंड्स यह कुछ इस तरह से हमारे सामने यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मैं ID पासवर्ड डाल के इसमें जो भी मेरे पासवर्ड है वो डाल के लॉगिन करता हूँ। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से हमारे सामने लैपटॉप स्टार्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स काफ़ी बढ़िया है, डिज़ाइनिंग वाइज काफ़ी लुक। और फ्रेंड्स अब इसके हम यहाँ पे इंटरनल की बात करते हैं कि चलता है कैसे क्या है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बता दूँ, तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे पढ़ लीजिए, ये इसकी स्पेसिफिकेशंस है। और फ्रेंड्स और भी है जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से इसे रीड कर लीजिए कि इसमें क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, आपको जैसे जो चीज़ चाहिए वो चीज़ यहाँ पर देख सकते हो। और फ्रेंड्स इसके अंदर हमें 15 महीने का मैक कैफे की तरफ से एंटीवायरस भी दिया जाएगा, जो 15 महीने तक कम्प्लीटली फ्री है, हमें कुछ भी उसके लिए चार्ज नहीं करना है।
और फ्रेंड्स इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ऑफिस विंडोज़ वगैरह विंडोज़ भी हमारे सामने इसके अंदर ओरिजिनल है। विंडोज़ 10 होम आपको सिंगल लैंग्वेज लैंग्वेज में मिलेगी। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इनबिल्ट मिलेगा आपको यहाँ पे, आप इसे रेगुलर अपडेट करते रहिए। फ्रेंड्स आपको इसके अंदर यहाँ पे एक्सेल वगैरह किसी के भी लिए आपको यहाँ पे नहीं करना है, आपको यह इनबिल्ट मिलेगा। ऑफिस पहले से इसके अंदर इंस्टॉल्ड है तो आपको बाहर से परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और फ्रेंड्स जब भी आप कोई भी नया लैपटॉप लेते हो, मैं आपको एक बात बता दूं कि फ्रेंड्स उसके अंदर हमेशा आप उसकी रिकवरी बना के रखिए। कभी भी आपकी विंडो करप्ट होती है, कुछ भी होता है, तो रिकवरी से ओरिजिनल विंडो आपकी दोबारा इंस्टॉल हो जाएगी। अब फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसकी सेटिंग्स के अंदर लोकेशन, ब्लूटूथ, वाईफाई, हॉटस्पॉट, एरोप्लेन मोड, सारी सेटिंग्स इसके अंदर दी हुई है। तो फ्रेंड्स एकदम यानी कि जो आज के ज़माने का हम लैपटॉप बोले, यानी कि 2020 वाला, यानी कि 19-20 वाला, तो फ्रेंड्स वो वाला लैपटॉप इसके अंदर सारी सेटिंग्स दी हुई है। अब फ्रेंड्स इसके अंदर एक कोटोना भी दिया हुआ है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से। फ्रेंड्स जैसे आप गूगल असिस्टेंट को यूज़ करते हो बोल के, जैसे कि हेलो गूगल आप बोलते हो फ्रेंड्स, वैसे ही आप इसके अंदर स्पीक के साथ जैसे ही आप बोलोगे वैसे यहाँ पे यह है डिस्प्ले के अंदर चलेगा, वो चीज़ इसके अंदर दी हुई है फ्रेंड्स, यानी कि वॉइस असिस्टेंट। और फ्रेंड्स अब मैं आपको यहाँ पे बात बताऊँ सिस्टम डिटेल की, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे ये इसका मॉडल नंबर आ गया, इसकी सिस्टम डिटेल्स है, 8 GB रैम वगैरह, इसकी हार्ड डिस्क यहाँ पे, और इसका जो प्रोसेसर है, ये सारी चीज़ें इसकी यहाँ पे दी हुई है। 128 GB SSD है और 1 TB इसके अंदर SSD है, नॉर्मल हार्ड डिस्क है। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिस PC इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके बताता हूँ। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हो यहाँ पे 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है और यहाँ पे विंडोज़ रजिस्टर्ड है, यानी कि डुप्लीकेट विंडो वगैरह वैसा कुछ भी काम नहीं है, ओरिजिनल विंडो इसके साथ आएगी। विंडोज़ 10 होम सिंगल लैंग्वेज है और इंटेल i5 इसके अंदर प्रोसेसर और 8 GB रैम है। अब फ्रेंड्स हम इसके बात करते हैं अब इसके आगे की। तो फ्रेंड्स इसके अब मैं आपको यहाँ पे अदर स्पेसिफिकेशन की बात बताऊँ, तो फ्रेंड्स इसके अंदर आपको ग्राफिक कार्ड 2 दिए हुए हैं, एक तो जो इस लैपटॉप के अंदर है इंटीग्रेटेड ग्राफिक इंटेल का, और एक फ्रेंड्स है एनवीडिया का ग्राफिक जिसकी 4 GB साइज़ है, यानी कि 4 GB मेमोरी का वो ग्राफिक है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशंस 4 GB GDDR5 के अंदर ग्राफिक मेमोरी है एनवीडिया की तरफ से। तो फ्रेंड्स गेम खेलने में आपको मज़ा आ जाएगा, ये देख सकते हो आप। और फ्रेंड्स इसकी मैं आपको एक सेटिंग भी बता दूंगा, आप अगर कोई सा भी लैपटॉप परचेज करो और फ्रेंड्स खास तौर से डेल का जिसके अंदर ऐसे दो दो ग्राफिक कार्ड दिए, तो उसकी सेटिंग मैं आपको इसके अंदर एक बताऊंगा जो कि आपके बहुत ही काम आने वाली हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो इसके यहाँ पे कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर, आप इसे पढ़ लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप 65-70 हज़ार या 60-70 हज़ार के बीच का कोई लैपटॉप परचेस करना चाहते हो, तो फ्रेंड्स मैं तो आपको ये लैपटॉप बताऊँगा परचेस करने के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स जो अदर कंपनियाज है और भी है फ्रेंड्स, वो उनमें वो मज़ा नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स यह लैपटॉप काफ़ी बढ़िया है। फ्रेंड्स आप देख सकते हो स्मूथ वाइज भी बिल्कुल स्मूथ है। फ्रेंड्स आपको कभी कभी इसके डिस्प्ले के अंदर अभी जैसे आप मेरी स्क्रीन में देख सकते हो ऐसे थोड़ा अटक अटक कैसा होगा फ्रेंड्स, वो इस कारण हो रहा है क्योंकि मैं इसकी डिस्प्ले रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ओनली इसलिए, वरना फ्रेंड्स आप देख सकते हो रिकॉर्डिंग के टाइम भी एकदम स्मूथली सारी चीज़ें चल रही है। कुछ एक चीज़ है जो एक दो अटक के सामने आएगी क्योंकि फ्रेंड्स मैं इसकी स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो अब मैं इसके विंडोज़ की सेटिंग की बात करूँ तो एकदम फ़ोन की सेटिंग के जैसे इसके विंडोज़ की सेटिंग है, तो आपको यहाँ पे भी फ्रेंड्स ज़्यादा एकदम ऐसे माथाफोड़ी वाला है वैसा फ्रेंड्स काम कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल काम है, पूरा काम एकदम नॉर्मली। इसके अंदर मल्टीटास्किंग मोड, टैबलेट मोड, काफ़ी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, तो आप जैसे आप यूज़ करना चाहो वैसे यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। और ऐसा नहीं है कि एकदम लैपटॉप को हाँ भाई एकदम तरीके से सारे काम लिमिटेड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, ऐसा फ्रेंड्स कुछ भी नहीं है, जितने चाहो उतने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी इसके अंदर रैम है और ग्राफिक कार्ड भी इसमें दो दो दिए हैं, गेम खेलने में तो मज़ा आ जाएगा। अब फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे कैमरे की बात करता हूँ, आप देख सकते हो आप यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी इसकी ठीक ठाक है, इतनी ज़्यादा अच्छी भी नहीं बोलूँगा और इतनी ज़्यादा बुरी भी नहीं बोलूँगा फ्रेंड्स, ठीक ठाक है, नॉर्मली जैसा लैपटॉप में आना चाहिए वैसा कैमरा है, वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट है, इमेजेस आप यहाँ पे ले सकते हो, और यहाँ पे इसकी कैमराज की सेटिंग दी हुई है, आप यहाँ पे इसकी सेटिंग्स देख सकते हो। तो फ्रेंड्स इस बजट के अंदर यह लैपटॉप तो काफ़ी बढ़िया लैपटॉप है। और फ्रेंड्स अगर आप लैपटॉप गेमिंग के भी काम आता है आपके, और फ्रेंड्स आपके काम आता है प्रोग्रामिंग के भी, तो फ्रेंड्स यह लैपटॉप तो डेवलपर्स के लिए जो प्रोग्रामर है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लैपटॉप है इस प्राइस रेंज के अंदर। और फ्रेंड्स आप देख सकते हो यहाँ पे इसके हार्ड डिस्क वगैरह है, 1 TB हार्ड डिस्क, 128 GB SSD है, जिससे कि आपके सारे सॉफ्टवेयर कुछ सेकेंडों के अंदर ही ओपन हो जाएंगे, इंस्टॉल होंगे, क्लोज होंगे, तो फ्रेंड्स सॉफ्टवेयर तो काफ़ी बढ़िया है। फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे एनवीडिया की सेटिंग के बारे में बात करूँ तो फ्रेंड्स इसके अंदर इतनी बढ़िया सेटिंग है कि फ्रेंड्स आपकी जो
कि कौन से आप यानी कि ग्राफिक के ऊपर काम करना चाहते हो, इसे आप ऑटो सेलेक्ट कर सकते हो। यानी कि आप अगर एनवीडिया के साथ इसको यूज़ करना चाहते हो लैपटॉप को, तो एनवीडिया पे क्लिक कर दीजिए। यूएसडी को यूज़ करना चाहते हो तो यूएसडी पे यूज़ पे क्लिक कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप दोनों को यूज़ करना चाहते हो तो ऑटो सेलेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर आपकी यह है लैपटॉप की यूजेस के हिसाब से यहाँ पे ग्राफिक कार्ड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत बढ़िया लैपटॉप है, इसे आप परचेस कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स। No quiero perder lo que queda. Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor. Yeah. No quiero perder lo que queda.